Hello students, today we are going to start with a new chapter that is sequence and series and it is a very important chapter. Jo topics hum yahan cover karenge, first of all the introduction of sequence, series and progression hote kya hai ye, and then introduction of sigma and pi notations, kyunki is pure chapter mein hum sigma and pi se hi deal karne wale hain. Then general type of series and product, very important section, and iske baad hum aayenge telescopic sum and product जिसे हम मेथड ऑफ कैंसिलेशन से सॉल्व करते हैं. देन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी हुआ करता था बट दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम जेई मेन, जेई एडवांस दोनों के ही सिलेबस से, तो वो हमने रिमूव कर दिया. देन एरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी, देन मेथड ऑफ डिफरेंस एंड इनइक्वालिटीज, कई तरह के इनइक्वालिटीज का डिस्कशन हम करेंगे. ठीक है, सो लेट जस्ट गो अहेड वन बाई वन. बिफोर दैट let us first understand the meaning of sequence, series and progression. bacha sequence hota kya hai, jaise agar aap 10 log kuch cheez lene ke liye counter pe pahunch jate ho, then the person says come in sequence, iska matlab come in order, theek hai na. to jab terms order mein aate hain hame pata chal jata hai ki first position pe kaun hai, second position pe kaun hai, third position pe kaun hai, तो उसे हम कहते हैं सीक्वेंस. ठीक है, जैसे सेट होता है, सेट में कोई ऑर्डर नहीं होता ना, सेट ऑफ टर्म्स में अनऑर्डर्ड होता है ना वो, तो जब उनमें ऑर्डर फॉलो हो जाता है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, देन दैट बिकम्स ए सीक्वेंस. क्लियर है. देन सीरीज, सीरीज मीन्स सम ऑफ ए सीक्वेंस. जब हम एक किसी भी सीक्वेंस में जो भी टर्म्स हैं उनको सम अप कर देते हैं, दैट बिकम्स ए सीरीज. ठीक, नेक्स्ट इज प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन इज दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस इन व्हिच टर्म्स फॉलो ए मैथमेटिकल पैटर्न. कोई भी मैथमेटिकल पैटर्न फॉलो करते हुए अगर टर्म्स है, दैट बिकम्स ए प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन बहुत से तरह के होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के विद इन एपी, जीपी एंड एजीपी ही है. पहले एचपी भी हुआ करता था बट दैट इज रिमूव्ड. ठीक है, सो आई गोइंग टू डिस्कस वन बाई वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्मा एंड पाई नोटेशन. बच्चा लुक एट, वेन वी टॉक अबाउट सिग्मा नोटेशन, सिग्मा स्टैंड्स फॉर समेशन, राइट. तो अगर हम एफ ऑफ आर सिग्मा आर फ्रॉम 1 to n की बात करते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो सम अप हो रहा है उसमें आर की जगह पे 1 पुट किया जाएगा जो आया, फिर आर का नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट इंटीग्रल वैल्यू, ओके, आर एस 2, आर की जगह पे 2 रखा जाएगा, प्लस आर की जगह पे 3 एंड सो ऑन. ये R का वैल्यू वेरी करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम, ये है इसका लोअर लिमिट और ये है R के लिए अपर लिमिट, राइट. दिस इज द मीनिंग, राइट. अब आप देखें कुछ प्रॉपर्टीज सिग्मा के जो आप डायरेक्टली यूज में लेंगे डीलिंग में. अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इस सिग्मा में वेरिएबल तो R है ना, R इज द वेरिंग क्वांटिटी, R का प्रेजेंस इसमें नहीं है, तो इन दैट केस R एज 1 ये K ही रहेगा, R as 2 भी ये K रहेगा. R का वैल्यू तो चेंज होगा, उतने टर्म्स तो जनरेट होंगे ही होंगे. ये अगर K है तो K ही उतनी बार जनरेट होगा. R is varying from 1 to n, मतलब n times K का प्रेजेंस होगा एंड ये सम अप होके n K देता है. तो ये आपको लिखना नहीं है, डायरेक्टली यू शुड राइट डाउन. अगर कहा जाए दिस इज 2 एंड R इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, तो आप कहेंगे 2 इज एडेड 10 टाइम्स, आंसर इज 20, लाइक दिस, फाइन. नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग आर है लेकिन उसके साथ कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, इन दैट केस आप इस कांस्टेंट को बाहर मूव कर सकते हैं एंड यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज एफ ऑफ आर, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, फाइन. और ऐसा क्यों, ये सब चीजें अगर आप समझते जाओगे ना बच्चे, तो कुछ भी नया सा करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर हमारे पास 2 r² है अंडर समेशन आर फ्रॉम 1 to 10, इसका मतलब यही हुआ ना कि 2 into 1 square, आर की जगह पे 1 रखा, आर की जगह पे 2 रखा, 2 into 2 square, so on, आर की जगह पे 10 रखा, 2 into 10 square. जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा एंड वी लेफ्ट विथ 1 square plus 2 square, सो ऑन टिल 10 square, राइट. तो क्या हम इसे समेशन में लिख सकते हैं आज आर स्क्वेयर, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, यस, 2 बाहर आ गया. तो जैसे कोई कॉमन चीज होती है एडिशन में, हर टर्म के पास है, उसे आप कॉमन ले लेते हो ना, समेशन से बाहर ले आते हो, एग्जैक्टली वही काम आप सिग्मा में डायरेक्टली कर सकते हैं, फाइन. देन थर्ड थिंग, अगर हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेशंस है तो आप इन्हें सेपरेट कर सकते हैं
ए एफ ऑफ आर समेशन, और ए कॉन्स्टेंट है तो हम उसे डायरेक्टली ऐसे बाहर मूव कर सकते हैं. एफ ऑफ आर, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, प्लस और माइनस जो भी साइन है. बी भी एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ समेशन है ना, तो हमने बी को बाहर मूव कर दिया एंड वी कैन राइट इट एज जी ऑफ आर, समेशन आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n. और अगर माइनस है तो माइनस साइन के साथ, फाइन. नाउ अगर प्रोडक्ट में है, बच्चे यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई कर देते हैं. ये देखो, ए को बाहर मूव कर दिया, फिर एफ ऑफ आर में समेशन यूज कर लिया, जी ऑफ आर में समेशन यूज कर लिया. कोई भी चीज जब हम करते हैं समझते हुए करें, रैंडमनेस फॉलो ना करें. आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के केस में ये सब काम नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे. ये नहीं करना है और ये भी नहीं करना है, ठीक. क्यों नहीं कर सकते? समेशन है ना, तो समेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन को सेपरेट करता है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन को नहीं. व्हाई नॉट? नाउ लुक एट, अगर मैं आर का वैल्यू 1 से 10 लेती हूँ तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगा? ए एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1. फिर आर एज 2 टर्म क्या बनेगा बेटा? ए एफ ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म क्या होगा? ए एफ ऑफ 10 इंटू जी ऑफ 10, राइट. ये आएगा. लेकिन अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं तो एक्चुअली आप क्या लिख रहे हैं ये भी देख लें. राइट हैंड साइड में आप क्या कह रहे हैं? ए टाइम्स समेशन ऑफ दिस, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 एंड सो ऑन टिल एफ ऑफ 10, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ समेशन जी ऑफ आर, मतलब जी ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 2 सो ऑन टिल जी ऑफ 10. अब आप देखें एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 2, जबकि हमारे पास एफ ऑफ 1 के साथ सिर्फ जी ऑफ 1 ही है. एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 2 है ही नहीं, एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 3 है ही नहीं, ये सब टर्म है ही नहीं. तो कितने एक्स्ट्रा टर्म्स आप इसमें कंसिडर करके चल रहे हो, तो गलत तो हो ही गया, राइट. तो कीप इन माइंड मल्टीप्लीकेशन या डिविजन के केस में आप इसी टर्म को सिंप्लीफाई करते हो, इसी को ही आप सम अप करेंगे एज इट इज, फाइन. इसी तरह से द सेकेंड नोटेशन दैट वी हैव इज प्रोडक्ट नोटेशन. प्रोडक्ट को हम पाई से डिनोट करते हैं, पाई नोटेशन दिस इज, ठीक. जैसे यहाँ सिग्मा है स्टैंडिंग फॉर समेशन, प्रोडक्ट के लिए पाई नोटेशन. तो अगर हमारे पास इस पे आएंगे, उससे पहले आप देखें, अगर एफ ऑफ आर है प्रोडक्ट में, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, व्हाट डज इट मीन? आर की जगह पे 1 रखा जाएगा, जो आया उसमें मल्टीप्लीकेशन होगा, वहां पे एडिशन हो रहा था या मल्टीप्लीकेशन. आर एज 2, आर एज 3 एंड सो ऑन विल गो अप टू आर एज 10, फाइन. तो अगर हमारे पास k है इन मल्टीप्लीकेशन, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे आप r की जगह पे 1 रखेंगे, ये कांस्टेंट है तो ये k ही रहेगा, लेकिन r अपना वैल्यू चेंज करता रहेगा, जो भी टर्म जनरेट होगा उसे मल्टीप्लाई करता रहेगा, और हर बार वो k ही होगा. तो k इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड n टाइम्स एंड दैट बिकम्स k पावर n, फाइन. इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, a इंटू एफ ऑफ आर इन मल्टीप्लीकेशन, r की जगह पे अगर हम 1 रखते हैं, जो टर्म आया उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे आर एस 2, है ना. तो इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रख के करना है, जो ए है ये जो कांस्टेंट है ना, सिग्मा के केस में आप उसे डायरेक्टली बाहर मूव कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब आप उसे बाहर मूव करेंगे तो ए पावर एन, क्योंकि आर के लिए एन डिफरेंट वैल्यूज आर असाइंड, ठीक है. तो आप इसे लिखेंगे ए पावर एन एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 सो ऑन टिल एफ ऑफ एन, उसे तो हम पाई में लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखते हुए करना है, प्रोडक्ट से बाहर जो कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है, जब आप उसे बाहर मूव करते हैं तो ए पावर एन के फॉर्म में आप उसे बाहर मूव करेंगे, क्लियर. नेक्स्ट, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, तो सिग्मा था जो समेशन को ही डिनोट कर रहा था, तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को आप सेपरेट कर पा रहे थे, लेकिन आप प्रोडक्ट या डिवीजन को सेपरेट नहीं कर सकते. उसी तरह से पाई नोटेशन में आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन के केस में इस तरह से सेपरेट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. और क्यों गलत होगा? जैसे मैंने आपको सिग्मा को एक्सपांड करके बताया, एग्जैक्टली उसी तरह से आप इसे भी समझ सकते हैं, ये काम आपको नहीं करना है, राइट. लेकिन अगर प्रोडक्ट में है या डिविजन में है, आप बिल्कुल कर सकते हैं एफ ऑफ आर इंटू प्रोडक्ट जी ऑफ आर, और आप समझ भी सकते हैं इजिली कि ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आर एज 1 एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1, आर एज 2 एफ ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2. तो इसमें जो टर्म्स जनरेट हो रहे हैं वो है एफ ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 इंटू जी ऑफ 2, लाइक दिस. तो अगर आप एफ वाले टर्म्स को लेके एक ग्रुप क्रिएट कर देते हो तो ये बनेगा मल्टीप्लाइड विथ, ये करेक्ट. उसी तरह से
डिवीजन के केस में भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट, तो आज की क्लास में बच्चे हम जितने भी स्टैंडर्ड पैटर्न्स पॉसिबल है, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, वो सब हम कवर करेंगे एंड उसके रिलेटेड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। व्हेन वी राइट सिग्मा आर, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, इसका मतलब यही हुआ ना, आर एज 1, आर एज 2, आर एज 3, इसी को हम ऐड कर रहे हैं, सो आर इज n एंड दिस इज एज सच एपी है। सम ऑफ एपी आपको आता है निकालना, आप वो काम कर सकते हैं, लेकिन आप इसे एज इट इज ही यूज में लेंगे। लास्ट नंबर इनटू इट्स नेक्स्ट नंबर अपॉन 2। ठीक, तो अगर हमें 1 + 2 + 2 until 100 लिखना हो तो इमीडिएटली कहना है 100 इनटू इट्स नेक्स्ट नंबर अपॉन 2। ठीक है, उसी तरह से समेशन आर स्क्वेयर, मतलब 1² + 2² so on till n² That is sum of squares of the first n natural numbers. ठीक है, याद रखेंगे, that is n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. ठीक, then sum of cubes of the first n natural numbers. Cubes तक आपको याद रखना है, उसके beyond हमें summation पे question नहीं पूछे जाते हैं, limits पे आते हैं questions and then infinite series पे questions आते हैं, उनका all together एक different style of working होता है, वो हम उन रिस्पेक्टिव चैप्टर्स के साथ कवर करेंगे। ठीक है, आर क्यूब तक आपको याद रखना है, दैट इज 1³ + 2³ so on till n³ एंड दैट इज n into n+1/2² ये जो है ना सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल उसका स्क्वायर है, तो आप इसे कह सकते हैं दिस इज 1 + 2 + 3 so on up to n का स्क्वायर ही है ये। फाइन बेटा, नेक्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स। वैसे तो फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एन सच टर्म्स, तो ये एक एपी ही है, एपी का सम निकालना आप सबको आता ही है, राइट, उससे आप कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल हैंडी रखें, जितना चीज़ें हम डायरेक्टली यूज में ले पाएंगे ना उतने ही हम कंफर्टेबल ग्राउंड पे होंगे, इमीडिएटली हम उन डायरेक्शन में सोच पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स इज एन नंबर्स आ दिए, सो इट इज एन स्क्वेयर। ठीक है, आपने पढ़ा भी है कभी ना कभी, आई गेस क्लास 7th या 8th में आपने पढ़ा है। सो वन, अगर आप एक नंबर लेते हैं आप देख सकते हैं 1, दैट इज 1² 1 + 3 दो नंबर लिए 4 है, 2² है, 1 + 3 + 5 दैट इज 9, 3 का स्क्वेयर है, फाइन है, तो डायरेक्टली यूज में लेना है। नेक्स्ट, ये जो प्रोडक्ट है, लिमिट पे कई ओकेजन में क्वेश्चन आया है इस प्रोडक्ट के हैंडलिंग पे। ठीक है, तो इसे देखते हुए आपको आंसर करना है, किस तरह से, पहले पैटर्न को समझ लें, यहाँ एक्स है इसका स्क्वायर है यहाँ, या एक्स स्क्वायर है इसका स्क्वायर यहाँ है, नेक्स्ट टर्म में एक्स पावर 4 का स्क्वायर होगा, मतलब एक्स पावर 8 होगा, तो अगर हम बात करें कि एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो किस टाइप का है, सो दैट इज 2 power r type, वेयर r 0 है तो 2 power 0 1 है, r 1 है तो 2 power 1 2 है, r 2 है तो 2² दैट इज 4, लाइक दिस। ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह का पैटर्न 1 + x power 2 power r काइंड ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट हो, देन इन दैट केस हैंडलिंग कैसे होगी, मैं प्रोसेस बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, आप इसे 1 - x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसे तो हम आज इट इज रखेंगे टिल द एंड, ये हमारे आंसर तक जाएगा, इस टर्म को आप देखें, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या जनरेट करते हैं, 1 - x², करेक्ट, सो 1 - x², अब बचा ये और ये मल्टीप्लाई करके क्या बनाएंगे, a - b into a + b² - b², तो ये बना रहे हैं 1 - x power 4। तो आपको कुछ कुछ तो क्लियर हो रहा होगा कि ये जो टर्म है इससे पहले के सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होके क्या जनरेट कर रहे हैं, बिल्कुल यही, बस बीच में माइनस साइन आ रहा है, राइट, एंड ये इसके साथ कंबाइन होके 1 - x power 8 क्रिएट करेगा ये पूरा मिलके, राइट, इसी तरह से जब हम इन सभी टर्म्स का प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमारे पास होगा 1 - बिल्कुल यही, बस बीच में माइनस साइन, और जब ये और ये कंबाइन होंगे तो 1 - x power 128 क्रिएट होगा अपॉन ये एज इट इज। क्लियर बेटा, तो क्या अब हम इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं,
अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है अप टू 1 + x पावर में, लिस्ट 256 है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 - 256 है ना पावर, तो उसका डबल क्या आ गया, 512 / 1 - x। इस तरह से अब हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट स्टेप आप देखें, बिल्कुल उसी ढंग से सोचना है, पैटर्न क्या है, 1 - x + x2, ठीक है, ये x स्क्वायर है, ये चीज़ यहाँ आया और इसका स्क्वायर यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ आया और इसका स्क्वायर यहाँ पे है, पैटर्न देख लें। और अगर आप एज इट इज़ देखें तो यहाँ 2 पावर 0 है, यहाँ 2 पावर 1 है, यहाँ 2 पावर 1 2 पावर 2, एक्स का एक्सपोनेंट की मैं बात कर रही हूँ, 2 पावर 2 2 पावर 3, लाइक दिस, ठीक है। तो इसकी हैंडलिंग हम किस तरह से करते हैं, लुक एट 1 + x + x2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ऐसा क्यों, ये सब बच्चा हमें तभी स्ट्राइक करेंगे जब हमने ये सब फैक्टराइजेशंस, जो स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशंस है, जो हमने बेसिक मैथ्स में कवर भी किया है, अगर आपने ये सब याद रखा है तो इनसे डीलिंग आपको स्ट्राइक कर जाएगा। अब अगर मैं 1 - x + x2 की डीलिंग कर रही हूँ और उसके साथ में इसे एसोसिएट कर देती हूँ, मैंने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, अब ये दोनों साथ में मिलकर क्या क्रिएट करेंगे, 1 + x² + x4, मतलब एग्जैक्टली यही, बस यहाँ पे साइन प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये जनरेट किया, ये करेक्ट। अब बच्चा ये टर्म इसके साथ जब कंबाइन होगा तो क्या जनरेट करेगा, उसी की हेल्प से देखें, x की जगह पे x² ही तो आ गया है राइट साइड में, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, ये दोनों कंबाइन होके यहाँ तक के जो टर्म्स है वो सब मल्टीप्लाई होके 1 + इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर, राइट। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तक के टर्म्स क्या जनरेट करके देंगे, 1 + इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर, पैटर्न क्लियर है ना। तो जब हम यहाँ तक का सारा प्रोडक्ट कंसिडर कर लेंगे इस टर्म से पहले तक, तो यहाँ हमें मिलेगा बिल्कुल यही, बस यहाँ पे साइन प्लस आएगा, राइट। और जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो हमें मिलेगा 1 + इसका स्क्वायर + इसका स्क्वायर, यही है पैटर्न, डन। अपॉन ये जो एक्स्ट्रा टर्म जिससे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज आंसर में लिखा जाएगा, क्लियर बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर 4 4 4 4 4 इज रिटन n टाइम्स, मतलब n डिजिट नंबर है और हर डिजिट 4 ही है, तो इस तरह के नंबर्स को डील करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है वो है हैंडलिंग विथ द हेल्प ऑफ ए GP। लेकिन आप इन्हें डायरेक्टली लिखेंगे किस तरह से, ये देखो, अगर हमारे पास एक 9 है, क्या मैं उसे 10 - 1 लिख सकती हूँ, और अगर 99 है, 10² - 1 लिखा जा सकता है, 999 है तो 10³ - 1, राइट। तो अगर 3 9s आ गया, 3 डिजिट नंबर है, सारे के सारे 9 है, तो 10³ - 1। तो उसी तरह से अगर मेरे पास 9 9 9 9 10 टाइम्स है, 10 डिजिट्स आ गया, सो 10⁻¹⁰, यही है। तो अगर ये 9 नहीं हो के कोई और डिजिट है, 4 है, तो आप 4 को ले ले कॉमन, 9 से कर दे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या ये बन जाएगा, और इस 9 को लिखना आपको आता ही है, सो दिस विल बिकम 4/9 × 10⁻¹⁰। इसी तरह से अगर आपके पास 4 4 4 4 4 n टाइम्स है, तो आप 4 को ले लेंगे कॉमन, तो 1 1 1 1 1 रह जाएगा, और हमारी डीलिंग 9 के फॉर्म में ही होनी है, तो आप 9 से कर देंगे डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, तो 9 9 9 9 9 n टाइम्स आ जाएगा, एंड दैट विल बिकम 10⁻¹⁰, फाइन। लिख सकते हैं डायरेक्टली बच्चे, जितना ज़्यादा आप इस तरह के चीज़ों का यूज लेंगे ना डायरेक्ट राइटिंग का, और इसमें कुछ मेमोराइज करने का भी नहीं है, प्योर अंडरस्टैंडिंग है, तो आपका काम बहुत सिंपल बनने वाला है, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई और डिजिट है, ए है, रिटन एन टाइम्स, देन इन दैट केस a/9 10⁻¹⁰ डायरेक्टली लिखा जा सकता है, फाइन बेटा। देन इफ Sn मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, तो अगर वो जो Sn है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, वो फंक्शन ऑफ n के फॉर्म में आपको गिवन है, इन टर्म्स ऑफ n गिवन है, देन इन दैट केस आप उस सीक्वेंस का nth टर्म निकाल सकते हैं। किस तरह से, अगर Sn है, Sn मतलब टर्म 1 + टर्म 2 + टर्म 3 so on टर्म n, इसे हम Sn कहते हैं, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। और अगर हम Sn-1 की बात करें तो वो है
सम ऑफ द फर्स्ट एन माइनस वन टर्म्स, राइट। इन दोनों के डिफरेंस से अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑल व्हाट वी एंड अप गेटिंग इज ये पूरे का पूरा हो जाता है कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ nth टर्म, ठीक। तो कभी भी अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन है, अभी हम यही एडवांस का क्वेश्चन करेंगे, आप देखना कितना एलिमेंटरी है, ये गिवन है तो आप nth टर्म लिख सकते हैं sn माइनस s n माइनस 1 करते हुए, फिर प्रोसीड कर जाए जो भी क्वेश्चन ने आपको फाइंड करने के लिए कहा है, फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे देखें क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द थिंग्स दैट वी कवर्ड जस्ट नाउ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर सो ऑन अप टू 100 स्क्वायर, मतलब इवन नेचुरल नंबर्स आते हैं, ठीक है। कितने नंबर्स है ये भी आप बता सकते हैं, 2, 4 सो ऑन अप टू 100, 50 नंबर्स आते हैं, 50 इवन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप इसका जनरल टर्म लिख लें, जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं, जैसे 2, 4 या इवन नंबर्स, इवन नंबर को आप 2r लिख सकते हैं, राइट। बस आपको ये देखना है कि जो r है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और r एंड कहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो जनरल टर्म है ट्वाइस ऑफ ए वेरिंग क्वांटिटी, ठीक, एंड दैट r इज वेरिंग फ्रॉम 2r इज 2, जो फर्स्ट टर्म है ना उसके साथ इक्वेट कर दें तो r इज 1, एंड गोइंग अप टू 2r को इसके साथ इक्वेट कर दें, 2r इज 100 सो r इज 50, फाइन। अब आप इसे लिख सकते हैं 4r स्क्वायर समेशन, एंड 4 को आप बाहर मूव कर सकते हैं, r स्क्वायर समेशन, क्योंकि हमने ये चीज याद रखी है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स तो हमने याद रखा है, तो अब हम उसका यूज ले सकते हैं, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर लेंगे, फाइन। बट डायरेक्टली अगर हमें करना है तो हम इस पे जाएंगे ही नहीं, रादर अगर इवन नंबर से आप डील कर रहे हो, इवन नंबर से, चाहे वो स्क्वायर में है, क्यूब में है, किसी भी फॉर्म में है, ठीक है, चाहे वो रेसिप्रोकल में भी हो, इसके बाद हम आएंगे इन क्वेश्चंस पे, ठीक। तो उस केस में हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है ना, तो अगर आप उस 2 को कॉमन लेते हो, डायरेक्टली बिगर लिखे करें ना, यहाँ पे एक 2 है, 4 के पास भी एक 2 है, सो ऑन 100 के पास भी एक 2 है, और हर इवन नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब हर एक के पास 2 स्क्वायर का प्रेजेंस है ना, क्योंकि 2 इज 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 50। तो अगर मैं पहली बार कर रहे तो लिख के बता देती हूँ, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, सो ऑन 2 इंटू 50 का स्क्वायर। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो स्क्वायर के फॉर्म में है तो 2 स्क्वायर कॉमन आएगा और क्या रह जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, सो ऑन टिल 50 स्क्वायर, एंड दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1 बाई 6 डायरेक्ट। तो ये स्टेप भी आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक दो बार करने के बाद आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी हम इवन नंबर से डील कर रहे होते हैं, चाहे वो स्क्वायर में है, क्यूब में है, रेसिप्रोकल में है, स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल है, जैसे भी है, डील करने का ये तरीका आप हमेशा याद रखें, हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है, 2 को बाहर निकालें, क्वेश्चन अपने आप आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, विल बी एबल टू हैंडल इट वेरी इजीली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन अप टू 99 क्यूब। अब आप खुद देखना डिफरेंस, अगर आप इसका जनरल टर्म लिख के करते हैं, ऑड नंबर को आप 2r प्लस 1 लिख सकते हैं, 2r माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, विल प्रीफर राइटिंग 2r माइनस 1 का क्यूब है। अब देख लेते हैं r का लिमिटेशन क्या है, 2r माइनस 1 1 हो, इसका मतलब 2r माइनस 1 इज 1, 2r इज 2, r इज 1, तो r का लोवेस्ट पॉसिबिलिटी है 1, एंड 2r माइनस 1 इज 99, 2r इज 100, r इज 50, करेक्ट। अब अगर आप इसको जनरल टर्म से लिख के करते हैं तो लुक एट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू विल हैव टू पुट इन, ठीक है, हम करेंगे नहीं इससे, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप इस पे बिल्कुल भी ना जाएं। क्यों नहीं जाएं? लुक एट द वर्क, दिस इज a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b, एंड दैट इज 12 r स्क्वायर प्लस 6 r माइनस 1 अंडर समेशन। अब आपको इसे चार हिस्सों में ब्रेक करना होगा, सभी का समेशन लेना होगा, फिर कंबाइन करके आंसर देना होगा, राइट। बट द बेस्ट वे, माइंड इट, जब कभी भी आप ऑड नंबर से डील कर रहे हैं, ऑल व्हाट यू शुड डू इज, चाहे वो स्क्वायर में डील कर रहे हो, क्यूब में कर रहे हो, रेसिप्रोकल में कर रहे हो, किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, अगर आप ऑड नंबर से डील कर रहे हो तो उसका ये तरीका बिल्कुल यहां सेट कर लें, दैट इज टोटल माइनस इवन, फाइन। तो अगर मैं टोटल की बात करूं, कैन आई राइट इट टू बी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब
गोइंग अप टू 99 क्यूब ले लो या 100 क्यूब ले लो, आपका चॉइस है. तो मैं 100 क्यूब तक ही ले लेती हूँ. फाइन. माइनस जो एक्स्ट्रा नंबर्स हमने इसमें ऐड किए हैं वो है इवन नंबर्स. ठीक है, सो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन. हमने 100 तक लिया है ना, तो इट इज 100 क्यूब. फाइन बेटा. एंड ये सम हमने याद रखा है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे. फाइन. और इवन नंबर से डीलिंग का प्रोसेस हमें क्लियर है. जैसे ही आप 2 को बाहर निकालते हो तो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो इवन नंबर्स के पास 2 है और क्यूब में है, मतलब 2 क्यूब बाहर आ जाएगा. तो यहाँ रह जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन. 2 बाहर आया तो यहाँ रह गया 50 का क्यूब. हाउ सिंपल. अब इसका सम है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर. अब आप खुद बता दें, इजंट इट लॉट सिंपलर देन द प्रीवियस प्रोसेस. यस, तो इसी तरह से करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर सो ऑन. पैटर्न देख लें. नेचुरल नंबर्स आ दे, ऑल्टरनेट साइंस के साथ है, स्क्वायर के फॉर्म में है. अगर स्क्वायर के फॉर्म में एंड ऑल्टरनेट साइंस के साथ है, बेस्ट तरीका है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्योंकि इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो पेयर कंप्लीट हो गया. अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते तो एक एक्स्ट्रा टर्म बच जाता, उसको हमें सेपरेट करना होता, उसको एंड में हम ऐड सबट्रैक्ट किए होते, जो भी वो है. ठीक है, तो इस पैटर्न के लिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ध्यान से मेरी बात सुनना, a माइनस बी माइनस 1 है, a माइनस बी माइनस 1, यहाँ पे भी माइनस 1. तो उस माइनस 1 को हम एज इट इज लिखेंगे एंड जो a प्लस बी है उसे हम 1 प्लस 2 ही लिखेंगे, हम उसे ऐड करके नहीं लिखेंगे. बिल्कुल प्रोसेस को समझें. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दे आर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए माइनस बी इज माइनस 1 फॉर ऑल दिस ग्रुप्स, राइट. तो माइनस 1 को हम एज इट इज बना के लिखेंगे एंड जो ए प्लस बी है उसे हम ए प्लस बी ही रहने देंगे, उसे हम ऐड करके नहीं लिखेंगे. ठीक है, अभी आपको समझ आ जाएगा कि हम उन्हें ऐड करके क्यों नहीं लिख रहे हैं. डन. अब माइनस 1 पूरे में से इसे आप कॉमन ले लें तो विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन अप टू 100. नाउ दिस इज माइनस 1 इंटू 100 इंटू 101 बाई 2. हाउ सिंपल. ठीक है, इसका दूसरा प्रोसेस भी है जिसे हम क्यूब के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेम ही है बिल्कुल. यहाँ स्क्वायर में है, इसका क्यूब में है. स्क्वायर के केस में आपको इसी प्रोसेस से ही करना है और जो दूसरा प्रोसेस है वो बाकी पावर्स के लिए आप यूज करें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. जी एडवांस में आया था क्वेश्चन, वो सिग्मा में था, मैंने यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म में दे दिया, दैट्स इट. सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 प्लस में 2 माइनस में, 2 प्लस में 2 माइनस में, लेकिन नेचुरल नंबर्स ही है. और यहाँ पे अगर ये जो भी पैटर्न हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये अगर नेचुरल नंबर्स में नहीं हो के एपी में भी होते हैं ना, तब भी सेम स्टाइल ऑफ डीलिंग. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे. 2 प्लस 2 माइनस, तो पहला प्लस पहला माइनस, सेकेंड प्लस सेकेंड माइनस, फिर यहाँ फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड. तो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप बताएं a माइनस बी क्या है, माइनस 2 है. यहाँ पे भी a माइनस बी माइनस 2 है, यहाँ पे भी माइनस 2 है, यहाँ पे भी माइनस 2 है, तो माइनस 2 कॉमन आते ही काम बन जाएगा. ठीक है, तो अब बताएं ये दोनों साथ में मिलके माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 देंगे. नेक्स्ट आएगा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4. इस तरह से ये पैटर्न आगे बढ़ेगा. एंड में क्या आएगा आप बताएं. यहाँ पे माइनस 100 स्क्वायर है, ये माइनस में है, इसके पहले वाला प्लस में होगा और ये प्लस में, लाइक दिस. तो ये होगा और ये होगा, बस हम लास्ट वाला लिख रहे हैं. सो माइनस 2 इंटू दिस इज 98 प्लस 100. फाइन बेटा. अब जैसे आप माइनस 2 को कॉमन लेते हैं, व्हाट डू वी गेट. 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 सो ऑन 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है, हियर. So this is minus 2 into n plus 1 by 2. Fine. Next question. 1 cube minus 2 cube plus 3 cube minus 4 cube. यहाँ पे स्क्वायर में था तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम बहुत इजीली एग्जीक्यूट कर पाए, तो वहां पे तो ठीक है. क्यूब के केस में वैसे आप फैक्टराइज करके नहीं करना, कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन हम लंबा काम क्यों करें. ठीक है, हमारे पास अगर सिंपल तरीका है, वी मस्ट नो दैट एंड वी मस्ट डू क्वेश्चंस यूजिंग दैट. ठीक, तो जब कभी भी ऑल्टरनेट साइंस के साथ टर्म्स आते हैं, यहां देख लें, ए माइनस बी
प्लस सी माइनस डी प्लस ई माइनस एफ, अगर मेरे पास ये है, कैन आई राइट दैट टू बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ सभी का सम माइनस ट्वाइस ऑफ जो सब्ट्रैक्शन में है ना उन टर्म्स सब्ट्रैक्ट हुए ट्वाइस, देख लें क्या जनरेट हो रहा है, बी माइनस टू बी माइनस बी आ गया, डी माइनस टू डी माइनस डी आ गया, बन रहा है ना। तो कभी भी अगर इस तरह का पैटर्न है आप सभी में प्लस साइन लिखते हुए पूरा सम लिख लें, माइनस जो टर्म यहाँ माइनस में है उनको आप टू टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट्स इट, किया जा सकता है। अब बताएं इस क्वेश्चन को अगर हम इस प्रोसेस से करें व्हाट विल इट बी, दिस इज वन क्यूब प्लस टू क्यूब सो ऑन अप टू 100 क्यूब, ठीक, माइनस टू टाइम्स ऑफ जो सब्ट्रैक्शन में है वो टर्म से 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 100 क्यूब, ठीक है बेटा। अब टोटल सम तो हमें पता है राइट, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था जब कभी भी हम इवन नंबर वाली सीरीज से डिस्कस कर रहे होते हैं, चाहे वो स्क्वायर में है, क्यूब में है, रेसिप्रोकल में, किसी भी फॉर्मेट में है, तो हर इवन नंबर के पास एक 2 होता है, उस 2 को आप बाहर शिफ्ट करें तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसे हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो यहाँ बताएं 2 into 1, 2 into 2 सभी का क्यूब है, सभी से हमने 2 को बाहर ले लिया, सो दैट इज 2 क्यूब है ना, हर नंबर का क्यूब है तो 2 क्यूब बाहर आ गया एंड विल बी लेफ्ट विथ 1 क्यूब, 2 हमने 4 से बाहर निकाल दिया तो 2 क्यूब एंड सो ऑन, यह रह जाएगा 50 क्यूब, क्लियर बेटा। अब इसका सम n into n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर, और हम इस रिजल्ट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 into 100 प्लस 2 into 99 सो ऑन 100 into 1, कोई भी इस तरह का आपके पास सीरीज आ जाता है जिसमें आपको पैटर्न क्लियरली दिख रहा है, हमारे सामने जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे पैटर्न वाले ही होंगे है ना, अदरवाइज हमें मैनुअली ऐड करना होगा, मैनुअल एडिशन आपको 2-3 टर्म्स का ही पूछा जा सकता है ना, उससे ज़्यादा का तो नहीं। तो आप पैटर्न को स्टडी कर लें कि क्या है और उसको आप सिग्मा में लिख लें, अपने आप वो क्वेश्चन आगे सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पैटर्न क्या है आप देखें, 1, 2, 3 दो पार्ट में है ना, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इंक्रीज हो रहा है नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 100, ठीक, एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है वो 100 से बिगिन होकर डिक्रीज होता हुआ जा रहा है अप टू 1, राइट। सो कैन वी से जब एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों का सम हर जगह सेम ही होगा, 101 है, राइट। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट, जैसे दो नंबर का प्रोडक्ट है ना हर जगह, तो अगर मैं फर्स्ट को आर कंसिडर करूँ तो कैन आई से इन दोनों का सम हर जगह 101 है, तो अगर ये आर है तो सेकेंड पार्ट इसका होगा 101 माइनस आर, करेक्ट है। एंड समेशन R का वैल्यू वेरी कर रहा है 1 से एंड गोइंग अप टू 100, R इज वेरिंग फ्रॉम 1 गोइंग अप टू 100, ठीक है। अगर ये चीज आपको स्ट्राइक नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, आप इसका इंडिविजुअल प्लेस देखिए, 1 then 2 then 3, आप AP का जनरल टर्म तो लिख सकते हैं ना, 10th क्लास में सभी ने पढ़ा है, आप वो चीज लिख लें, ये भी AP है, इसका जनरल टर्म लिख लें, मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये आ गया। अब इसका समेशन के लिए ब्रैकेट को आप रिमूव कर दें, समेशन, अब इंडिविजुअल समेशन पे चले जाएं, उसके लिए 101 कांस्टेंट है हमने बाहर मूव कर दिया, और समेशन आर स्क्वायर, आर के लिमिट से 1 to 100, और ये दोनों समेशन हमने याद रखे हैं, राइट। सो समेशन आर, आर फ्रॉम 1 to 100 विल बी एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 एंड समेशन आर स्क्वायर इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर सो ऑन, माइंड इट इन फाइनाइट सीरीज है, इज इक्वल टू के, हम इसका वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं आता, ठीक है। जब भी क्वेश्चन ऐसा कोई भी सीरीज इन्वॉल्व करता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उस केस में क्वेश्चन बताएगा कि अगर हम इसकी वैल्यू को ये कंसीडर करें देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ के, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ के, अब जिसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है वो ऑड नंबर्स को इन्वॉल्व करता हुआ है, और ऑड नंबर्स वाली सीरीज से डील करने का एक ही तरीका आपको यूज करना है, दैट इज टोटल माइनस इवन, दैट्स इट। तो बताएं, 1 स्क्वायर से चलता गया ऑड नंबर्स ही लिया गया है इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर सो ऑन टोटल माइनस इवन, ठीक है। इवन मतलब 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3
फोर स्क्वेयर एंड सो ऑन, है ना, स्क्वेयर से डीलिंग हो रही है. ओके, ये सारे स्क्वेयर्स है, ध्यान देना. फाइन, अब इसका सम तो क्वेश्चन ने हमें दे दिया है, ये वैल्यू है के माइनस. और इवन नंबर वाली सीरीज से डील करने का एक ही तरीका है, हर इवन नंबर के पास टू है उसे बाहर निकाल दो. तो इसके पास टू स्क्वेयर है, इसके पास टू स्क्वेयर है क्योंकि स्क्वेयर के फॉर्म में, तो वन बाई टू स्क्वेयर को आप बाहर मूव कर देंगे. सो विल बी लेफ्ट विथ वन बाई वन स्क्वेयर प्लस वन बाई टू स्क्वेयर एंड सो ऑन. जैसे आप इवन नंबर में से टू को बाहर निकालते हैं तो नेचुरल नंबर वाली सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है. और इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी है हमारे पास, है ना, क्वेश्चन ने ही हमें दिया है, दैट इज के. सो आंसर इज 3k/4. क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर सही है, थोड़ा सा चेंज किया है. 1/1³ - 1/2³ ऑल्टरनेट साइंस के साथ है. इफ दिस इज के, देन 1/1³ + 1/2³ सो ऑन, इसका वैल्यू क्या आएगा? तो ये है टोटल और यहाँ पे है ऑल्टरनेट साइंस. ठीक है बेटा, ऑल्टरनेट साइंस से डीलिंग का तरीका मैंने आपको बताया था, क्या है, दैट इज 1/1³ + 1/2³ सो ऑन माइनस टू टाइम्स ऑफ जो माइनस में है, राइट. सो 1/2³ + 1/4³ एंड सो ऑन. और इवन नंबर से डील करने का तरीका भी हमें क्लियर है. व्हाट इज इट, 2³ को हम बाहर मूव करेंगे तो ये बन जाएगा आज 1/1³ + 1/2³ एंड सो ऑन. करेक्ट है बेटा? तो ये जो टोटल सीरीज है अगर हम इसे एस कंसीडर करें तो ये हो जाता है एस माइनस, ये कैंसिल हुआ तो ये भी एस ही है, तो एस बाई फोर एंड दैट इज 3s/4. और ये जो हमने लिया है दैट इज ऑल्टरनेट साइन वाला एंड दैट इज के, राइट. ये के को ही तो हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है इस तरह से. फाइन, तो 3s/4 अगर के है तो s इज 4k/3. क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज 1/1 - 1/2 + 1/3 सो ऑन, फिर से ऑल्टरनेट साइन से, और b में सभी सेम साइन के ही हैं, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है बच्चे, क्या a b से बड़ा है या b a से बड़ा है या a एंड b इक्वल है या नथिंग कैन बी सेड. मतलब इस सिचुएशन के बारे में हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है, वी डू नॉट हैव सफिशियंट इन्फॉर्मेशन टू कंक्लूड. ठीक है, अब बताएं a क्या है, ऑल्टरनेट साइंस के साथ है तो उसकी डीलिंग का प्रोसेस क्या बताया आपको, सभी प्लस में लिखेंगे, दिस इज 1/2 एंड सो ऑन 1/151. फाइन, माइनस टू टाइम्स ऑफ जो टर्म्स माइनस साइन के साथ है, दे आर 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन अप टू 1/150. फाइन बेटा, अब इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई. इवन नंबर वाली सीरीज से डील करना है तो हम 2 को बाहर निकालेंगे, तो ये होगा 1/1 + 1/2 सो ऑन अप टू 1/151 माइनस 2 हमने बाहर निकाला तो डिनोमिनेटर में आएगा, राइट. एंड दिस इज 1/1 / 1/2 सो ऑन अप टू 1/75 ओवर. अब आप ध्यान से देख लें, यहाँ 1/1 / 1/2 / 1/3 / 1/4 सो ऑन अप टू 1/151 है, उसमें से हम माइनस कर रहे हैं इसे, और ये एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट है ना, आप देख सकते हैं 1/1 / 1/2 / 1/3 सारे टर्म्स है ना यहाँ पे, तो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस में है ना, तो सारे रिमूव हो जाएंगे. फिर यहाँ पे जो बचेंगे टर्म्स वो कौन से होंगे, 1/76 + 1/77 के बाद वाले सारे, राइट. दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ 151 दिस इज. ओके, नाउ इट सेज दिस इज बी, यही है जो बी है, तो हमें क्या मिला बेटा, ए इज इक्वल टू बी. फाइन, नेक्स्ट देखिए, आप देख सकते हैं कितने एलिमेंटरी चीजें हैं जिनके हेल्प से हम इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, दैट इज इवन नंबर वाली सीरीज की डीलिंग एंड ऑड नंबर वाली सीरीज की डीलिंग, इन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप इस ट्रिक को ध्यान में रखें बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इफ नेचुरल नंबर्स आर ग्रुप्ड एज दिस देन सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द 50th ग्रुप. ग्रुपिंग आप देख लें, पैटर्न क्या है, फर्स्ट ग्रुप में एक नेचुरल नंबर है वो भी पहला वाला, ये जहाँ खत्म हुआ इसके बाद से सेकेंड ग्रुप बिगिन हुआ, और सेकेंड ग्रुप के पास दो नेचुरल नंबर है, फिर इसका जो एंड एलिमेंट है उससे अगले से थर्ड ग्रुप बिगिन हुआ और उसके पास तीन एलिमेंट है, तो पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि 50th ग्रुप के पास 50 एलिमेंट्स तो होंगे, यस. बस हमें ये जानना है, और वो 50 एलिमेंट्स भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ही तो है, तो हमें सम निकालने में तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है क्योंकि वो ए पी ही होगा, राइट. बस अब हमें इतना सा पता लगाना है
आपकी 50th ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, अगर वो पता चल जाता है तो हम इमिडिएटली इसका आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइक दिस। हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया, एक एलिमेंट यूज हो गया, हमने सेकेंड ग्रुप भी बना लिया, दो एलिमेंट और यूज हो गए। इसका मतलब थर्ड ग्रुप बनाने से पहले हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जो यूज हो चुके हैं, फर्स्ट ग्रुप के लिए एक, सेकेंड ग्रुप के लिए दो, राइट, तीन एलिमेंट यूज हो गए। तो क्लियर हो जाता है जो थर्ड ग्रुप है वो नेक्स्ट एलिमेंट से ही बिगिन होगा, तीन एलिमेंट यूज हो गए हैं मतलब नंबर फोर से वो बिगिन होगा, राइट। और थर्ड ग्रुप ने तीन एलिमेंट को यूज कर लिया, इसका मतलब इतने नेचुरल नंबर यूज हो चुके हैं, 6 नेचुरल नंबर्स आर ऑलरेडी यूज्ड। तो जो नेक्स्ट ग्रुप होगा वो 7 एज नंबर से बिगिन होगा, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि 50th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो हमें क्लियर है कि 49 ग्रुप्स के फॉर्मेशन के बाद 50th ग्रुप बिगिन होगा, एंड 49 ग्रुप के फॉर्मेशन के प्रोसेस में इतने नेचुरल नंबर्स यूज हो जाएंगे, राइट, ये यूज हो जाएंगे। तो इससे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ग्रुप का बिगिनिंग वहीं से तो होगा। तो कहना इसे जो 50th ग्रुप है उसका बिगिनिंग वाला जो एलिमेंट होगा वो ये होगा, फाइन। और ये एलिमेंट क्या है, कैलकुलेट कर लें, n(n+1)/2 एंड दिस इज +1, फाइन। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1, 2, 2, 5 + 1 ये आ गया। तो हमारे 50th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ये है। अब सम ले लेते हैं, दैट इज n/2 सम ऑफ AP, ओके, इनटू 2A, 2A विल बी 2, 4, 5, 2 प्लस n-1 दैट इज 49 इनटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 1, है ना। कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से तो कॉमन डिफरेंस तो 1 ही होगा। अब ये वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सीक्वेंस 1 एक बार है, 2 दो बार है, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये पैटर्न में सीक्वेंस है, देन इसका 100th टर्म क्या होगा, जो 100th प्लेस पे नंबर होगा वो क्या होगा, ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उसके लिए हम सिर्फ इतना सा स्टडी कर लेते हैं कि कोई भी नंबर है, जैसे नंबर 4 है, तो नंबर 4 कौन से प्लेस से बिगिन हुआ और कौन से प्लेस तक गया, अगर हम इतना सा पता लगा लेते हैं तो हम देख लेंगे कि 100 किसके लिमिट के अंदर आता है, एंड अकॉर्डिंगली हम उस नंबर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है, करके देखते हैं। उसके लिए अगर मैं बात करूं कि नंबर 5 की विजिबिलिटी इस सीक्वेंस में कौन से पोजीशन से बिगिन होगा और कौन से पोजीशन तक 5 विजिबल होगा, हम वो पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 खत्म हो जाना चाहिए, 2 भी खत्म हो जाना चाहिए, 3 भी खत्म हो जाना चाहिए और 4 भी खत्म हो जाना चाहिए बिफोर 5 बिगिंस, करेक्ट। एंड 1 ने 8 प्लेस ऑक्यूपाई किया, 2 ने 2 प्लेसेस, 3 ने 3 प्लेसेस, 4 ने 4 प्लेसेस, इतने प्लेसेस ऑक्यूपाई होने के बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वहां से 5 विजिबल होगा, करेक्ट। और कहां तक विजिबल होगा उसको भी आप उसी तरह से स्टडी कर लें। 5 का जो लास्ट प्लेस होगा वो क्या होगा, ये, क्योंकि 1 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, 3, 4, 5 कहां पे खत्म हुआ, तो उसके लिए बस आपको ये कैलकुलेट करना है। तो इन दैट सेम वे कैन वी से नंबर n का जो फर्स्ट पोजीशन होगा इन दैट लिस्ट वो कौन से जगह पे होगा, जब 1, 2, 3, 4 n-1 तक के सारे नंबर्स खत्म हो जाए, उसका जो नेक्स्ट पोजीशन होगा वहां से नंबर n विजिबल होना स्टार्ट होगा और जाएगा कहां तक ये विजिबल होगा, 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू n तक, क्लियर है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले n-1 (n/2) + 1 से बिगिन होगा और खत्म कहां पे होगा, n (n+1)/2 में, करेक्ट। अब हमारा क्वेश्चन है, हमें वो n फाइंड करना है जिसके लिए इन लिस्ट ऑफ प्लेसेस में 100 लाई करे, इसका मतलब हमें उस n को सॉल्व करना है जिसके प्लेसेस के लिस्ट में 100 लाई करे, राइट। दिस इज ऑल, ये n(n-1)/2 + 1, फाइन बेटा।
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक ही ऐसा n मिल पाएगा और वही हमारा आंसर होगा। अब इसे करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें एंड उनका साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ले लें, एक ही वैल्यू आएगा। लेकिन बेस्ट वे आउट इज, क्योंकि हम नेचुरल नंबर से डील कर रहे हैं, तो बस आप इस पार्ट को ले लें, दैट इज n इंटू एन प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200। फाइन, अब n इंटू एन प्लस वन मतलब एक नंबर और उसका नेक्स्ट नंबर ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 200 हो तो अप्रोक्स आप ऐसे करें कि 200 का स्क्वेयर रूट, 200 के आसपास का स्क्वेयर रूट आप बता दें क्या है, 14 का स्क्वेयर है जो 200 से थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो अगर हम 14 इंटू 15 को चेक करें, ये आ रहा है 210। फाइन, तो n इक्वल टू 14 तो इसे सेटिस्फाई कर रहा है, और आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ना 13 इंटू 14 को भी चेक कर लें। 13 इंटू 14, जब 14 इंटू 14 ही 200 से स्मॉलर है तो 13 इंटू 14 तो उससे भी छोटा ही आएगा, राइट? तो 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये होल्ड नहीं करेगा, 14 पे कर रहा है, 14 ऑनवर्ड्स हर नंबर के लिए करेगा। ठीक है, तो कैन वी से ये होल्ड कर रहा है n ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए। तो यहाँ पे जो बाउंड्री वैल्यू है वो है 14, तो यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो n लेस देन इक्वल टू 14 ही आएगा, तो कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा आज 14। लेकिन हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरह से, देखिए यहाँ पे n इंटू एन माइनस वन बाई टू इज लेस देन इक्वल टू 99, सो n इंटू एन माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू 198। ठीक है, अब फिर से वही चीज, 198 का स्क्वेयर उसके आसपास का है, उसे स्मॉलर ही लें बेटर है, सो 198 के आसपास 14 स्क्वेयर ही है जो कि 198 से स्मॉलर है। तो अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करें तो 13 इंटू 14, 14 इंटू 15 तो एक्सीड कर जाएगा ना, लेकिन 13 इंटू 14 वो 14 स्क्वेयर से स्मॉलर है, इसका मतलब इसे वो सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? सो कैन वी से 13 इंटू 14, इसका मतलब ये जो छोटा वाला वैल्यू है 13 है, ये 14 है, तो n इक्वल टू 14 के लिए होल्ड कर रहा है, और n का वैल्यू अगर 14 से हम स्मॉलर कोई और भी ले लेते हैं तब भी ये सेटिस्फाइंग होगा, क्योंकि वो फर्दर और डिक्रीज ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आता है n लेस देन इक्वल टू 14, एंड दोनों का इंटरसेक्शन से बनता है 14। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको दोनों को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर है किसी पोजिशन पे एक ही नेचुरल नंबर ऑकर करेगा, एक से ज्यादा तो ऑकर करने नहीं है, तो जब आप दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो डेफिनेटली जो बाउंड्री वाला वैल्यू है ना वही जनरेट होगा। ठीक है बेटा, सो हियर आवर आंसर इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1³/1³+2³/1+2, इस तरह के क्वेश्चन में जनरल टर्म देख लें, ये टर्म्स। तो अगर हम rth टर्म को लिखें, दैट इज 1³ + 2³ सो ऑन अप टू r³ अपॉन 1+2 सो ऑन अप टू r, ये वो टर्म है जो सम अप हो रहा है, जिसमें r का वैल्यू बिगिन हुआ है 1 से एंड गोइंग अप टू n। ठीक है बेटा, अब इस टर्म को आप सिंप्लीफाई कर लें, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे प्रेजेंट करें, उसके बाद आप इजीली इसे इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो बच्चा ये क्या है, r इंटू आर प्लस 1/2 का होल स्क्वेयर होता है, और ये है r इंटू आर प्लस 1/2, करेक्ट? ये हम यहाँ से कर देते कैंसिल, सो वी लेफ्ट विथ r इंटू आर प्लस 1/2 अंडर समेशन। ठीक, हम 2 को कर देते हैं बाहर मूव, एंड ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आर स्क्वेयर प्लस आर है। अब एडिशन को हम सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है, और इन दोनों का समेशन हमें याद है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं आर फ्रॉम 1 टू n, समेशन आर स्क्वेयर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 n प्लस 1/6 एंड समेशन आर इज n इंटू n प्लस 1/2, राइट? कंबाइन करके हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ टी आर समेशन, ठीक है, जब हम टी आर समेशन की बात करते हैं आर फ्रॉम 1 टू n, सो वी टॉक अबाउट एस एन, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो एस एन हमें गिवन है और हमें कहा गया समेशन स्क्वेयर रूट ऑफ टी आर क्या आएगा, तो कोई भी रैंडम समेशन हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम हर तरह के सम को थोड़ी इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसे टी आर को सिंप्लीफाई करके देखें तो क्लियर हो जाएगा कि टी आर इज बाउंड टू बी अ परफेक्ट स्क्वेयर, जैसे ये परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा हम स्क्वेयर रूट कैलकुलेट करते हुए उसका सम ले पाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एस एन है, एस एन दैट वी हैव इज 2n³ + 9n² + 13n, और हमें टी आर चाहिए, ठीक है, टी एन ही लिख लेते हैं, दैट इज एस एन माइनस एस एन माइनस वन, क्या मिलेगा 2n³ + 9n² + 13n,
माइनस एस एन माइनस वन, एन की जगह पे एन माइनस वन हम पुट कर रहे हैं, दैट्स इट. एन माइनस वन गिव 9, एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस 13 एन माइनस वन. फाइन बेटा, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है. अब इस टर्म को तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा, और हमें ये भी क्लियर है कि एक परफेक्ट स्क्वायर में ही सिंप्लीफाई होगा. स्क्वायर रूट का समेशन हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है? तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा, एक तरीका तो ये है आप इन सबको सिंप्लीफाई कर ले फिर सब्ट्रैक्ट कर ले. बट बेस्ट वे आउट इज, टू है, टू है लाइक टर्म, ठीक है? तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, एन माइनस एन प्लस वन, दैट इज वन, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, दिस एन इंटू एन माइनस वन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? इजीली लिखा जा सकता है. उसी तरह से 9 हमने लिया कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, एन माइनस एन प्लस वन, दैट इज वन, इंटू ए प्लस बी, दैट इज टू एन माइनस वन. फाइन. देन 13 हमने लिया कॉमन, एन माइनस एन प्लस वन, ओनली 13 दैट वी आर लेफ्ट विथ. कोई डाउट? परफेक्ट है. नेक्स्ट इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर, और कहीं एन स्क्वायर नहीं है. सो यहाँ है 3 एन स्क्वायर इंटू 2, 6 एन स्क्वायर. अब एन वाले टर्म पे आ जाएं, माइनस 3 एन, सो माइनस 6 एन, और यहाँ पे है बच्चा 18 एन, सो 18 एन माइनस 6 एन 12 एन, ठीक है? कॉन्स्टेंट टर्म देख लें, यहाँ 1 है मतलब 2 है, 2 यहाँ ऐड हुआ 15 है, 15 माइनस 9 दैट इज 6. फाइन. क्या हम इसे लिख सकते हैं? एन स्क्वायर प्लस 2 एन प्लस 1. क्लियर बेटा? ये हमारे लिए टी एन, और हमें क्वेश्चन ने कहा है स्क्वेयर रूट ऑफ टी आर का समेशन. तो अगर हम इसका स्क्वेयर रूट लेते हैं, टी एन का स्क्वेयर रूट लेते हैं, कैन वी राइट इट एज रूट 6 इंटू एन प्लस 1. वैसे तो स्क्वेयर रूट मॉड में होता है, लेकिन एन कोई नेचुरल नंबर है, एन प्लस 1 कोई और नेचुरल नंबर ही है, तो मॉड की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ है ही नहीं. फाइन. अब काम खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं रूट 6 टाइम्स ऑफ दिस. रूट 6 को हम ले लेते हैं कॉमन. सो वी हैव आर प्लस 1 समेशन, आर इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू 100. अब इसके सम के लिए आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सेपरेट करते हुए भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा? सो रूट 6 टाइम्स ऑफ 100 इंटू 101 बाई 2, एंड 1 इज एडेड 100 टाइम्स. सिंपल बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 444 200 डिजिट्स कैसे लिखते हैं? 4 बाई 9, 10 पावर 200 माइनस 1, ठीक है? डायरेक्टली माइनस 666 100 डिजिट्स का स्क्वायर है ये, ओके? सो इट इज 6 बाई 9, 10 पावर 100 माइनस 1 का स्क्वायर. परफेक्ट. और हमें ये सिंप्लीफाई करके बताना है कि 888 ये कितना डिजिट नंबर बनेगा, ठीक है? तो एक काम करते हैं, इसी को ही सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ से 3 हो गया कैंसिल, सो दस वी हैव 4 बाई 9, 10 पावर 200 माइनस 1, और ये भी है 4 बाई 9, एंड 10 पावर 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक. अब इसके अगर हम दो फैक्टर्स लिखें, सो माइनस 1 एंड 10 पावर 100 प्लस 1, ताकि हम दोनों को कंबाइन कर पाएं. वैसे तो आप परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड करते हुए भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स गो अहेड एज इट इज. सो 4 बाई 9, 10 पावर 100 माइनस 1 हमने लिया कॉमन, तो यहाँ ये रह जाएगा 10 पावर 100 प्लस 1, और यहाँ पे यही वाला फैक्टर बचेगा ना, एक फैक्टर हमने कॉमन लिया है. सो वी गेट 10 पावर 100 माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि हम ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं ना. डन बेटा. सो वी गेट 8 बाई 9, क्योंकि ये 2 है, 2 इंटू 4, 8 बाई 9, 10 पावर 100 माइनस 1. क्या दे रहा है हमें ये? 888 रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? 100 टाइम्स, राइट? तो यहाँ पे n का वैल्यू हमसे पूछा गया है, एंड द आंसर इज 100. क्लियर? नेक्स्ट बेटा जी, एडवांस का क्वेश्चन है. इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज सी एन स्क्वेयर, देन सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द n टर्म्स. तो हमें एस एन गिवन है विच इज सी एन स्क्वेयर, हम nth प्लेस का टर्म निकालेंगे, फिर उन टर्म्स के स्क्वेयर का सम हम कैलकुलेट करेंगे. सो टी एन इज एस एन माइनस एस एन माइनस वन, दैट इज सी एन स्क्वेयर माइनस सी एन माइनस वन का स्क्वेयर. सी हमने लिया कॉमन, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि है 1, ठीक है? ये है nth प्लेस का टर्म. और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है
टी एन स्क्वेयर, एन इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू एन, ये क्या आएगा? तो वो है सी स्क्वेयर 2n माइनस 1 का स्क्वेयर का समेशन. परफेक्ट. अब ये हमें देता है सी स्क्वेयर बाहर मूव करते हुए 2n माइनस 1 का स्क्वेयर का समेशन. और ये समेशन कैलकुलेट करने के लिए एक तरीका, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर से डीलिंग के लिए टोटल माइनस इवन करके आप कर सकते हो, बट बेटर है स्क्वेयर में ही तो है, तो आप इस टर्म को एक्सपांड करते हुए सेपरेट करते हुए डील कर लो, कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है. तो ये समेशन बेटा सी स्क्वेयर तो हमने ओवरऑल ही बाहर मूव कर दिया है, तो 4 बाहर आ गया समेशन एन स्क्वेयर, माइनस 4 बाहर आया समेशन एन प्लस समेशन 1 कंप्लीट. तो ये है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 एन प्लस 1 बाई 6, एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये है एन, सम देम अप. ठीक है बेटा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. हमें ये सम चाहिए 1 बाई 1 प्लस एक्स, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. पैटर्न को समझ लें, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 प्लस एक्स पावर 4, इसका स्क्वेयर बस इस फॉर्म में आता जा रहा है. एंड न्यूमिरेटर में इसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है. तो जब कभी भी आप f डैश बाई f पैटर्न से डील कर रहे होते हो, याद रखेंगे तभी आप इनका यूज ले पाएंगे. अगर हमारी सीरीज में जो टर्म्स है वो इस पैटर्न के हैं, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये देखना है जो डिनोमिनेटर्स है ना, डिनोमिनेटर्स है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता है. जो भी डिनोमिनेटर में है चेक करें, क्या हमें ये प्रोडक्ट इवैल्यूएट करना आता है? बिल्कुल आता है, अभी हमने डिस्कस किया था, राइट. 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो हमारा इसका आंसर आ जाता है 1 माइनस इसका स्क्वायर 128 अपॉन 1 माइनस एक्स. करेक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ये. अब इस पैटर्न तक पहुंचने के लिए आपके पास सिर्फ दो स्टेप्स है. फर्स्ट टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक, इधर भी हमने लॉग ले लिया, एंड डिफरेंशिएट, दैट्स इट. तो ये एक डेरिवेटिव सीरीज है फॉर ए प्रोडक्ट, ये जो पैटर्न है. फाइन, करके देखते हैं, कंप्लीट करते हैं. बताएं लॉग एम इंटू एन इज लॉग एम प्लस लॉग एन. तो लॉग से हमें ये एडवांटेज मिल जाता है कि वो प्रोडक्ट को सम में ट्रांसफॉर्म कर देता है. करेक्ट, ये आ गया. एंड दैट इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस एक्स पावर 128 माइनस 1 माइनस एक्स. डन. अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं. इधर बताएं लॉग, सो दैट इज 1 बाई 1 प्लस एक्स. चेन रूल से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. बिल्कुल यही पैटर्न क्रिएट हो गया. दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में उसका आंसर होगा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 128 x पावर 127 अपॉन 1 माइनस x पावर 128 माइनस इसका डेरिवेटिव. सो दैट इज प्लस, क्योंकि 1 माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस अपॉन. सिंपल वर्क. ठीक है बेटा, सो दैट्स इट फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो है मेथड ऑफ कैंसिलेशन, टेलीस्कोपिक सम और प्रोडक्ट. ठीक है बेटा, सो क्लोजिंग इट हियर.